अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो अभी आप लोग देख रहे होंगे कि ये ब्रेड नजर आ रही, तो ये खोने क्या लगा है। यहाँ पे हम बनाने लगे हैं पिज्ज़ा, और पिज्ज़ा मैं इस टोर्टिला रैप ब्रेड के साथ, इस रैप के साथ करने लगी हूँ। अगर आपको थिन क्रस्ट पसंद है तो आप इससे भी बना सकते हैं, बड़ा लाइट और बड़ा अच्छा बनता है। तो ये ले लिया हमने, पैन में डाल दिया। अब हम इसके ऊपर लगा देंगे पिज्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस आप कोई भी ले सकते हैं, मैं जो है ना मैं ये वाली पिज़्ज़ा सॉस यूज़ कर रही हूँ। ये इसका जो टेस्ट है वो अच्छा है। क्योंकि बच्चे फरमाइश कर दिए थे कि मामा हमने पिज़्ज़ा खाना है, तो मैंने सोचा कि चले जी, बच्चों के आने से पहले मामा पिज़्ज़ा जो है ना वो घर में तैयार कर देंगे। दो तीन दिन पहले मैंने चाइनीज़ फूड बनाया था, तो उसका व्लॉग मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना है। लेकिन अब जो है ना मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं मिल रहा जो कि मैं उसे एडिट कर सकूं और आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। चलो जी, ये लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर डाल देंगे चीज़। ओवन हमारा प्री हीट हो चुका है और इसे हम बेक करेंगे ओवन में। चीज़ डालने के बाद मैं देखूंगी कि हमें किस किस ने ज्वाइन किया यहाँ पे। आज बच्चे आते ही खुश हो जाएंगे कि पिज़्ज़ा, मामा पिज़्ज़ा बना दिया। और हमज़ा मुझे इतने दिनों से कह रहा है कि मामा कुकीज़ बनाओ, तो इंशाल्लाह मैं ना कुकीज़ भी बनाऊंगी और उसकी वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा डाल देंगे नमक, क्योंकि ये जो चीज़ है ना इसके ऊपर नमक नहीं है, ये सॉल्टी नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा नमक हम खुद से डालेंगे। और अब हम इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा ऑरिगैनो मिल जाए से। एक सेकंड में आ रही हूँ, कुछ ढूंढ रही हूँ पास में। हाय मेरे अल्लाह, किधर चले गए? मशीन में चले जा रही। सारी चीजें जो है ना वो निकालनी पड़ रही है। और क्या हमने ऊपर इसके ऊपर डालने थे, लेकिन मुझे मिल नहीं रहे कि किधर चले हैं। जब चीज़ चाहिए होती है ना तब ऐसे ही होता है कि गुम जाती है। चलिए थोड़ी सी हम इसके ऊपर क्रश कर देंगे कुटी हुई लाल मिर्च। और अब हम इसे डाल देंगे ओवन में, और इसी तरह दूसरा थोड़ा सा हम बेसिल लीफ के साथ करेंगे, क्योंकि मुझे वो बहुत पसंद है। मैं फिर से ट्राई करूँ चलेगा। शुक्र है मिल गया आखिरकार। चलें जी, अब हम इसे डाल देंगे ओवन में। और दूसरा पिज्ज़ा हम किस तरह तैयार करेंगे, बच्चों के लिए चीज़ पिज़्ज़ा जो है ना मैं ऐसे तैयार करूँगी, और इसे ओवन के ओवन बेक करने के बाद मैं बताऊँगी कैसे क्या करना है, क्योंकि बेक करने के बाद ये अभी कंप्लीट नहीं होगा, इसके साथ कुछ और भी करना पड़ेगा। मिर्ची नहीं डालने, बच्चे कैसे खाएंगे? बच्चे थोड़ा सा स्पाइसी जो है ना वो खा लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं सब?
सॉस थोड़ी सी जो है वो हम ज्यादा डालेंगे क्योंकि सॉस की वजह से ही पिज्जे का मजा आता है। इतनी काफी है। ओके, ये जो पिज्जा है ना ये तैयार होगा मियाँ जी के लिए। इसे आपने ऐसा वैसा नहीं समझना, ये थोड़ा सा हमारा जो ना ये स्पेशल पिज्जा होगा। अच्छा, मेरा दिल करता है कि मैं अच्छे से खाने बनाऊं लेकिन फिर जो है ना डाइट के चक्कर में फिर बंदा रह जाता है कि अच्छा अभी चलो रहने दो। और अगर आप चाहते हैं कि अच्छे अच्छे मेरे खानों की वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं टेस्ट्रा बी फूड के नाम से। वहाँ पे बर्गर की और पता नहीं बहुत सारी चीज़ें मैंने बेक की हुई हैं, वो जाके आप देख सकते हैं और मज़ेदार सी रेसिपीज जो हैं वो लेके तो आप अच्छे अच्छे खाने बना के इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा इशू नहीं कि आपने पतले होना, क्योंकि बेकरी की चीज़ें जो है ना आपको पतला नहीं होने देंगी, इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप पतला हो तो आपको थोड़ी सी कुर्बानी देनी पड़ेगी। अब इसके ऊपर हम फिर से डाल देंगे थोड़ा सा नमक। यहाँ पे ये जो चीज़ मिलती है पता नहीं ये क्यों सॉल्टी नहीं होती, मुझे समझ नहीं लगती। और कहते हैं कि जो रेस्टोरेंट वाले हैं वो भी यही चीज़ लेके जाते हैं, तो मेरा ख्याल है वो भी फिर ऊपर नमक डालते होंगे। अच्छा, अब इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़ी सी कूटी हुई लाल मिर्च और यहाँ ढूंढने के चक्कर में मैंने पूरे किचन में गन डाल दिया। अच्छा, अब हम इसको पका लेंगे ये बेसिक लीफ। इनका टेस्ट इतना अच्छा होता है कि खुशबू और बस, और ऑलिव ऑयल में भी ये डाल के तो एक ब्रेड के साथ खाने के लिए सॉस तैयार की जाती है, वो भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, वो भी बहुत ही मज़े की होती है। मैंने सोचा था कि इसके ऊपर मैं कुछ नहीं डालूंगी लेकिन फिर मैंने सोचा चलो जैलापेनोज डाल देते हैं ताकि थोड़ा सा चटपटा सा हो जाए। और ये थोड़ी सी हम इसके ऊपर डाल देंगे कलरफुल करने के लिए रेड बेल पेपर। बिल्कुल लास्ट मिनट पे मैंने सोचा कि चलो पिज्ज़ा बना लेते हैं, वरना आज हमारा प्लान था दाल खाने का। ओके जी, इससे भी अब हम जो है ना ओवन में डाल देंगे, इसे थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे। ओके, अब ये भी जाएगा ओवन में। आप देख रहे होंगे कि इनके नीचे थोड़ा सा जो ना वो फ्लेम ऑन किया हुआ, वो इस वजह से कि ये जो ब्रेड है ना ये हमारी थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाए। और बाद में इसमें क्या करेंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ कि ये इसी फ्लेम के ऊपर हम अपना ये जो पिज्ज़ा ऐसे क्यों रखेंगे। चलें जी, अब मेरा ख्याल है कि आप लोगों को तो मैं दिखा सकती हूँ जो कि मेरे पास इंस्टा पे है। ये देखेंगे कितना ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा हमारा ऑलमोस्ट डन होने वाला है। और दूसरा रैक इसका किधर है, चलो जी वो बाय निकला हुआ है, काम थोड़ा सा खराब हो गया। ये जो है ना एक्स्ट्रा बेकिंग ट्रे ही है, मैंने निकाल के बाय रखी थी कि इनकी ज़रूरत नहीं है, तो लेकिन मैंने साथ दूसरी ट्रे भी निकाल दी। अब इन्हें करेंगे साथ और इससे फिर उठाएंगे हम पिज्जा और इसे डालेंगे ओवन में। और ये तकरीबन ये रेडी है। चलें जी, ये चीज़ पिज्जा आ गया हमारा इधर। ओके, चलिए अब आप लोगों को भी यहाँ पे खड़ा करते हैं, आप लोग भी देखेंगे क्या हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, फ्लेम थोड़ा सा हम जो है ना मीडियम पे करेंगे क्योंकि जब हमने इस ओवन में डाला था और इसके ऊपर जो है ना पिज्जा सॉस थी तो जिसकी वजह से हमारी ब्रेड थोड़ी सॉफ्ट हो गई थी, तो अब इसे थोड़ा क्रिस्पी करने के लिए थोड़ी देर हम इसे स्टोव पे रखेंगे ताकि ये जो ब्रेड है इसकी वो क्रिस्पी हो जाए और इसकी कटिंग होके ही अच्छे से हो जाए। मैंने सोचा आसान काम कर लिया जाए, पिज्जे का पिज्जा हो जाए और हमें डो भी नहीं तैयार करनी पड़ेगी और उसका वेट भी नहीं करना पड़ेगा। थोड़ा सा इसे मीडियम पे करेंगे और अब हम निकालते हैं पिज्जा कटर। आज मेरे पास किचन में कोई हेल्प नहीं है।
चलें जी मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। ये देखें, ये एक दराज है जिसमें मेरे पास बेकिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें पड़ी हैं, लेकिन बेकिंग जो है ना वो इतना करने का टाइम नहीं मिलता और थोड़ा सा खुद भी अवॉइड करते हैं। अब इसमें से हमने ढूंढना है पिज़्ज़ा कटर, और आप लोग देखें अगर आपको मिलता है तो मुझे कमेंट्स में बताएं कि कहाँ पड़ा। ये सारी चीज़ें मैं अपने साथ लेके आई थी, मैंने सोचा अपन यहाँ से मुझे ये मिलेगी, चलें जो मुझे खुद ही मिली है। और ये मेरा इतना ये स्पेशल दराज है कि इस दराज को मेरे अलावा कोई नहीं हाथ लगा सकता है। और चप्पल आपने देखी होगी कि ये मेरी बड़ी मशहूर चप्पल है जो कि मैंने हर वक्त पहनी होती है, बड़ी ही कंफर्टेबल सी है। अच्छा जी, और कौन है यहाँ पे? और अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे फॉलो नहीं किया तो फटाफट से फॉलो कर लें, और जिसका दिल चाह रहा है घर में पिज़्ज़ा, जिसका दिल चाह रहा है पिज़्ज़ा खाने को, तो फटाफट से ऐसा पिज़्ज़ा घर में तैयार कर सकते हैं। आपको कोई मैदा नहीं चाहिए, कोई ईस्ट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस ब्रेड पकड़ो। और आपको पता है ये पिज़्ज़ा जो है ना वो आप ब्रेड पर भी तैयार कर सकते हैं। ये क्या कोई पिज़्ज़ा भी, इसके ऊपर आप कॉर्न चिकन जो डालना चाहते हैं वो डाल लें। अभी हम इसकी करेंगे कटिंग, और खैर से मेरे बच्चे आने वाले, मैं थोड़ा सा स्लो इसलिए जा रही हूँ कि बच्चे भी पहुँच जाएँ ताकि वो फिर गरम गरम खाएंगे। ओह, कान में प्रेशर हो रहा है बहुत। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। हुमा आप सुनाएं, हुमा आप कैसी हैं? मुझे भी आपके साथ खाना है पिज़्ज़ा राबिया मैम जी। निदा आप भी फटाफट तैयार करें पिज़्ज़ा, और फिर जब तक मेरा पिज़्ज़ा रेडी होगा तो फिर मैं भी खाने लग जाऊंगी और आप भी खाने लग जाइएगा। मेरा ख्याल है आप अपने फ्लेम को लो कर देंगे, मेरे लेफ्ट कान में इतना प्रेशर हो रहा है, पता नहीं क्यों, ओवन की वजह से, और शायद मेरा कान खुलने लगा है, क्या रीज़न है, अल्लाह करे खुल ही जाए। चलें जब हम इसकी कटिंग कर लेंगे, इनको एक दफा लो कर लेंगे ताकि जो सॉस अभी गिरे इसमें से तो फौरन से ड्राई हो जाए। इसमें काटना तो नहीं चाहिए क्योंकि ये नॉनस्टिक है और इसमें निशान आ सकते हैं, तो बेस्ट तो यही कि आप अलग बर्तन में लेके काटें, लेकिन मैं तो उससे काम चोरी कर रही हूँ और इसे में काट रही हूँ। कट जाओ, ओके जी। तो इसे प्लेट में लगा लें, फ्लेम हमारा ज्यादा ही हाई पे हो गया, ये देखें जी। अब प्लेट में हम इसके अच्छे से कटिंग करेंगे, और अब इस पैन को हम कर देंगे साइड पे और दूसरा पिज्जा निकाल लेंगे। ये देखें जी कितना अच्छा लग रहा है, और फ्रेश और घर का पिज्जा, इसकी क्या ही बात है। इसके ऊपर थोड़े से बेसिल लीव हम और लगा देंगे, चीज के साथ चिपका देंगे। चलिए मीडियम थोड़ा सा कर लेंगे, फ्लेम थोड़ा सा कर लेंगे मीडियम पे, और ये देखें जी सिंपल से और इजी से। अब तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें बाजार से बनी हुई आपको मिल जाती हैं, आपने सिर्फ घर में बेक करना और बस उनकी फाइनल लुक जो है वो आपने तैयार करनी है। और ये देखें अभी आप लोगों ने देखा होगा मुझे कटिंग करते हुए, ये देखें जी क्रिस्पी साइज का जो क्रस्ट है, और मैं भी बाइट लेके दिखाऊंगा आपको कि कितना मजे का। उफ़, देखें कैसे चीज मेल्ट हो रही है, आप लोग भी देखें। बहुत ही मजे का, बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही जल्दी तैयार होने वाला पिज्जा घर में तैयार करें और अपने बच्चों को दें, क्योंकि
घर में बनी हुई चीजों जैसी तो कोई चीज होती ही नहीं मेरे ख्याल से। मैं कोशिश करती हूँ कि सारा कुछ घर ही बना लूँ। इससे भी हम एक ट्रे में निकाले इसे इस ट्रे में निकालेंगे और ये सर्व करेंगे मियाँ जी को। और इसी तरह मैं अपने लिए भी इस तरह का पिज्जा तैयार करूंगी और बच्चों के लिए भी इसी तरह का चीज पिज्जा तैयार करूंगी और तब तक बच्चे खैर से पहुंच भी जाएंगे। अभी मैं निकालती हूँ और आपको दिखाती हूँ इसके फाइनल लुक और फिर इसके साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगी। सॉरी मैं आप लोग के जो मैसेज वो देख ही नहीं पा रही। प्लीज फ्राई पैन कहाँ से लिया? फ्राई पैन मैंने लिया था फतेह से और ये तकरीबन लास्ट ईयर मैंने लिया था जब हम लोग यहाँ पे मूव हुए थे तब मैंने लिया था। चलें जी अब इसे निकालेंगे इसमें और अब हम इसकी कर लेंगे कटिंग। कटिंग करके दिखाते हैं आपको। लाइट वेट पिज्जा घर में तैयार करें। उफ हजम गया मेरा। और खुद भी खाएं और अपने बच्चों को भी खिलाएं और एंजॉय करें। अब इसी के साथ मुझे दें इजाजत। ओके जी इस पिज्जे को हम सामने रखेंगे ताकि हमारा थंबनेल अच्छा आए। ओके जी अल्लाह हाफिज़। ओके जी अल्लाह हाफिज़।